थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है गैंग्रीन को कैसे रोका जा सकता है या फिर गैंग्रीन जैसी कंडीशन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इसके लिए क्या प्रिवेंशन है, क्या एहतियाती तदाबीर है, किन बातों पर अमल किया जा सकता है इससे बचने के लिए। गैंग्रीन होने की सूरत में मजीद बातों को मरने से बचाने के लिए ये कंडीशन जिस्म के जिस हिस्से में पैदा हुई होगी वहां पे मौजूद जो बातें हैं उनको मजीद मरने से बचाने के लिए, टिश्यूज़ को मजीद डेड होने से बचाने के लिए या फिर इन टिश्यूज़ को पहुंचने वाले नुकसान को कम करने के लिए गैंग्रीन का जल्द से जल्द इलाज कराना जो है वो जरूरी होता है। और जिन अफराद को डायबिटीज हो या फिर ब्लड वेसल्स जिनको खून की शरियानों की बीमारी कहा जाता है, जिसको खून की शरियानों की बीमारी कहा जाता है, ऐसे अफराद को बाकायदगी से गैंग्रीन की अलामत के लिए अपने हाथ पाँव की जाँच जो है वो करते रहना चाहिए, इन अलामत को जो है वो ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। वो अलामत ये होंगी, फर्स्ट जो सिम्टम आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत है, आपको देखने की जरूरत है कि जख्म में कोई सूजन है, कोई स्वेलिंग है, या इसमें से कोई मवाद, कोई फ्लूड जो है वो खारिज हो रहा है, या फिर जख्म जो है वो सुर्खी माइल है जो कि इन्फेक्शन होने की अलामत को जाहिर करते हैं। नेक्स्ट जो सिम्टम है, ऐसा जख्म जो ठीक होता वो नजर ना आए। नेक्स्ट है आपके जिल्द के रंग में तब्दीली होना, कुछ चेंजेस होना जो कि ज्यादातर ब्लैक या फिर जामनी रंग का नजर आता है। नेक्स्ट है सर्जरी से पहले या फिर सर्जरी के बाद आपको एंटीबायोटिक्स डॉक्टर जो है वो देते हैं और आपको डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अमल करते रहना चाहिए ताकि गैंग्रीन के इन्फेक्शन को रोकने में मदद मिल सके। बाज़ूकात गैंग्रीन का इलाज संगीन पेचीदगियों के बगैर भी किया जा सकता है, यानी किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशन के बगैर भी ये ट्रीटमेंट मुकम्मल हो सकती है, खासतौर पर अगर गैंग्रीन का जो जख्म है जल्द पकड़ा जाए। लेकिन कुछ केसेस में गैंग्रेन की सूरत में संगीन किस्म के पेचीदगियां मसाइल पैदा हो सकते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर जिस्म के जिस हिस्से में गैंग्रेन हुई होगी उसको काटने की जरूरत पड़ सकती है, और अम्पुटेशन यानी जिस्म के इस हिस्से को काटने की उस वक्त जरूरत पड़ती है जब जिस्म के हिस्से पर होने वाले जख्म का फौरी इलाज ना किया जाए। ऐसी सूरत में गैंग्रेन बढ़ने की सूरत में जिस्म के इस हिस्से को काटना जो है जरूरी हो जाता है। गैंग्रीन जो है कुछ अफराद के लिए जानलेवा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होना जो है एक रेयर केसेस है, लेकिन ऐसा होना जो है रेयर केसेस में शामिल है, यानी ऐसा होता है लेकिन कम होता है। लेकिन ये जिन अफराद को हो सकता है उन अफराद में ये कंडीशन जो होगी, फर्स्ट है ऐसे अफराद जिनको गैंग्रीन के अलावा कई दूसरी संगीन किस्म की तिब्बी मसाइल होंगे, कई और बीमारियां जिन अफराद को होंगी, और ये बीमारियां जो है वो गैंग्रीन के इलाज को जो है वो मजीद पेचीदा बना देते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। ऐसे अफराद के लिए गैंग्रीन जो है वो काफी क्रिटिकल कंडीशन पैदा कर सकती है। नेक्स्ट है गैंग्रीन अगर ज्यादा एरिए तक फैल चुकी हो, यानी जिस्म के जिस हिस्से में ये मौजूद है, अगर अगर जिस्म के उस हिस्से में गैंग्रीन जो है वो ज्यादा हिस्से तक बढ़ चुका हो, ज्यादा फैल चुका हो, तो ऐसी सूरत में कॉम्प्लिकेशन पैदा होने की सूरत में गैंग्रीन जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। नेक्स्ट है ऐसे अफराद के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है जो अफराद जो है वो फौरी इलाज नहीं करवाते हैं, यानी अगर आपको ये कंडीशन पैदा हो तो आपको फौरी इलाज करवाने की जरूरत होती है, क्योंकि ये कंडीशन जो है वो ट्रीटेबल है। लेकिन ऐसा इसी सूरत में मुमकिन हो सकता है जब इसका इलाज है वो फौरी किया जाए, फौरन से मेडिकल हेल्प जो है वो ली जाए। नेक्स्ट इसके लिए प्रिवेंशन ये है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको सिगरेट नोशी छोड़ना होगी, इसके अलावा हेल्दी डाइट खाने की जरूरत होती है और बाकायदगी से एक्सरसाइज करने की जरूरत होती है ताकि आपके जिस्म में जो ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन है वो जो है वो बेहतर हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रही हो तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।